से एमटी न्यूज में मैं हूं कृष्णकांत सिंह। हरी अब देखते दिन भर की खास खबर। अनाज व्यापारियों की समस्याओं का निदान न होने से कृषि उपज मंडी पड़ी है बंद। हम माल हो रहे हैं परेशान। नगर व ग्राम सुरक्षा समिति द्वारा मांगों को लेकर निकाली गई रैली पदयात्रा पहुंची जिला मुख्यालय। प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। और सरपंच द्वारा सचिव पर आरोप लगने से हटाया गया सचिव को। लटेरी तहसील के ग्रामीणों ने सचिव के पक्ष में प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। अब खबर विस्तार से। कई दिनों से कृषि उपज मंडी बंद होने के कारण मंडी के हम्मालों को समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। कृषि मंडी के अनाज व्यापारी और सरकार के बीच की समस्या बनी होने से हम्माल परेशान हैं। अनाज व्यापारी से इस संबंध में हुई चर्चा। हम्माल यूनियन जिंदाबाद। हम्माल यूनियन कौन चलाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन चलाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन चलाता हिंदुस्तान? काशीराम चौधरी कुलावट। यही कहना चाहते हैं, मंडी बंद है, मजदूर लोग परेशान है और मीलों का काम चल रहा है। मीलों पे कोई रुकावट भी नहीं है, है? यहाँ मंडी बंद करके क्या हो रही है? मीलों पे काम चालू है। इस तरीके से आपका परिवार चल रहा है? हाँ चल रही है। जे का घूम राधेश्याम महेश्वरी, प्रदेश महामंत्री अनाज चलन व्यापार महासंघ और विदिशा अनाज चलन संघ अध्यक्ष। हमारी 5-7 मांगे हैं, वो माननीय सीएम साहब के सामने पिछले शनिवार को मैं खुद रख के आया था। कुछ मंडी बोर्ड की जो मांगे थी वो एमडी महोदय ने पूरी की हैं, ऐसा खबर है। कल कमल पटेल से भी हरदा में मिले थे, तो संभवतः कल या परसों सीएम साहब समय दे रहे हैं और मांगे पूरी होने की संभावना है। बुधिया गुरुवार से मंडी खुलने की पूरी संभावना है। नगर व ग्राम सुरक्षा समिति की अपनी मांगों को लेकर शेरपुरा स्थित सीएम हाउस से रैली निकाली गई, जो मुख्य मार्ग से होते हुए जिला मुख्यालय पहुंची। बड़ी संख्या में कई जगहों से आए ग्राम व नगर सुरक्षा समिति के लोग शामिल रहे। दीपक तिवारी, प्रांतीय संयोजक, ग्राम नगर रक्षा समिति, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। नहीं, हमारा आंदोलन नहीं, हमारी तिरंगा यात्रा है। रक्षा समिति के सदस्यों के द्वारा भोपाल पहुंच करके सीएम साहब को याद दिलाओ ज्ञापन और तिरंगा सौंपेंगे। क्या याद दिलाओ, क्या ज्ञापन है? जो मुख्यमंत्री जी ने 24 अप्रैल 2008 को लाल परेड ग्राउंड में घोषणा की थी, सदस्यों को ड्यूटी के दौरान मानदेय देंगे, पुलिस भर्ती में प्राथमिकता देंगे, बंदूक के लाइसेंस देंगे, 15 अगस्त पर सम्मान कराएंगे, 5 लाख का बीमा देंगे, 2 करोड़ की राशि देंगे, सहित उम्र बंधन समाप्त सहित अन्य मांगे हैं जो इसके लिए जा रहे हैं। आज तक 15 साल में हमें तो धिक्कार हो रहा है कि कहावत है कि 12 साल में घूरे के दिन पड़ जाते हैं, हम तो घूरे से भी गए गुजरे हो रहे हैं। 15 साल हो गई, हमारी रक्षा समिति के सदस्यों की कोई मांग पूरी नहीं हुई, ना आज तक किसी सब सदस्य को 1 रुपये का लाभ प्राप्त हो रहा है। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, चाहे वो कितने वरिष्ठ अधिकारी हों, कितने बड़े नेता हों, मैं उनको 100 रुपये हमारे सदस्यों को रोज दूंगा, उनके परिवार की, उनकी बच्चों को और उनकी माता बहनों को भी ड्यूटी करावा के बताएं किस तरीके से ड्यूटी होती है। मैं साधना नागर हूँ, मंडीदीप रायसेन से। आज के संबंध में आपने ये तिरंगा यात्रा निकाली? आज के संबंध में हमने तिरंगा यात्रा निकाली, हमारे आदरणीय दीपक तिवारी जी, हमारे आदरणीय मुकेश शर्मा जी के नेतृत्व में। हम सब बहनें, हम सब भाई नगर सुरक्षा समिति से काफ़ी वर्षों से जुड़े हैं और हम सब शासन का सहयोग करते आ रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि हमें शासन की तरफ से सहयोग मिले। किस तरह का सहयोग चाहती है? हम इस तरह का सहयोग चाहते हैं कि हमें वर्दी मिले, हमें मानदेय मिले,
और हमें शासन से सम्मान मिले ताकि हम पुलिस वालों के साथ जब उन्हें जरूरत पड़ती हम खड़े होते हैं। गौ माताओं में लंपी बीमारी फिर से फैलने लगी है। पशु चिकित्सा विभाग द्वारा रोकथाम की जा रही है। पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारी से इस बीमारी पर चर्चा हुई, सुनिए आप उनका क्या कहना है। अच्छा एक भाई तो इसमें ये मिला के लगाते तो नाम है आपका आकाश। आकाश जी यहाँ पर कहाँ पर कौन से भाग में आए आप? पशु कल्याण। कहाँ के लिए आए? बसिया लंपी। लंपी क्या लक्षण क्या है लंपी के? खत्म हो जाते हैं। और अच्छा, तो अभी यहाँ पर इलाज मिल रहा है आपको, तो यहाँ पर निःशुल्क मिल रहा है कि पैसे लिए जा रहे हैं? अभी तो निश्चित मिल सर आवारा है नहीं तो। अच्छा आवारा से लगा है। आवारा आप मतलब गोसी बात। हाँ अच्छा एक मिनट एक भाई बोलो तो इसमें ये मिला के लगाते तो नाम देखिए लंपी की बीमारी जो है हमारे कैटल में जो छोटे कैटल होते हैं कम उम्र वाले कैटल होते हैं उनमें ज़्यादा होती है। और यह जो बाउंड्री लाइन वाले एरिया है आगर मालवा राजस्थान का जो बाउंड्री है एरिया है या दूसरा ब्लॉक राजगढ़ ब्लॉक का बाउंड्री एरिया है इन इन क्षेत्रों में ज़्यादा हो रही है। और इसमें हम लोग प्रोफाइलेक्टिक वैक्सीन कर रहे हैं। हमारे पास टोटल 90,000 वैक्सीन आया था, हमने 61,000 वैक्सीन लगा चुके हैं। और जहाँ एक बार ये वैक्सीन लग जाती है तो इसका स्प्रेडअप रुक जाता है। और हमारे अभी आज दिनांक तक कोई पॉजिटिव केस नहीं आया हुआ है। सिंपल वेसिकल्स और नोड्स बनते हैं लेकिन वो पूरे के पूरे सप्रेस्ड हो जाते हैं वैक्सीन लगाते हैं। ये तो एक वायरस होता है जो ह्यूमिडिटी बढ़ने पर कैटल में अफेक्ट करता है, उसके मसल्स में अफेक्ट करता है, फोड़े फुंसी टाइप का बनाता है, उसमें फिर पस पड़ता है। पस फूटने के बाद में दूध उसका जो है कैटल का अगर है तो दूध 20% 30% कम हो जाता है। और एंटीबायोटिक देने पर ठीक भी जाते हैं ये, लेकिन मॉनिटरी लॉस है, दूध का लॉस होता है। विदिशा जिले में अभी तक ऐसा कोई केस नहीं? विदिशा जिले में लंपी का केस पॉजिटिव कोई भी नहीं आया। लंपी है ज़रूर अपने यहाँ थोड़ी सी, लेकिन वो उसको हम तुरंत प्रोफाइलेक्टिक वैक्सीन लगा के कंट्रोल करते हैं। ग्यारसपुर तहसील की ग्राम मोहनपुर से बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग जिला मुख्यालय पहुंचे। ग्रामवासी मूलभूत सुविधाएं न मिलने से काफ़ी परेशान हैं। गांव में सुविधाओं की मांग को लेकर उन्होंने जिला प्रशासन व सरकार को ज्ञापन दिया है। जी सर, मेरा नाम वृंदावन सूर्यवंशी, ग्राम पंचायत मड़िया दरोई से हूँ। मैं रविदास सेवा समिति का सदस्य हूँ। आज हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं क्योंकि ग्यारसपुर में बहुत समस्याएं, पानी की समस्या, रोड की समस्या, बिजली की समस्याएं, और उसी संबंध में हमने ज्ञापन दिया है। और कई काम ऐसे हैं कि जो जैसे भूमि है, भूमि पर पूर्व से कई सत्ताधारी लोग कब्जा करे हैं, उसको अतिक्रमण से हटवा कर विक्रमण में लाया जाए उससे, क्योंकि रघुवीर सिंह सिसोदिया मजदूर यूनियन संघ गुरु रविदास सेवा समिति के ब्लॉक अध्यक्ष ग्यारसपुर जिला विदिशा मध्यपुर से। आज इस संबंध में ग्यारसपुर क्षेत्र और पूरे मोहनपुर और क्षेत्र की ज्ञापन की समस्या लेकर आया हूं सर। इसमें आवासीय पट्टे पूर्व से खेती कर रहे किसानों को बड़ी जगह पर कट्टे दिए जाए और किसानों की जो परेशान किया जा रहा है वन विभाग द्वारा वो नहीं किया जाए। और CM रायल स्कूल जो ग्यारसपुर स्वीकृत है उसका शीघ्र काम लगवाया जाए, गौशाला स्वीकृत कराई जाए और उसको शासकीय भूमि जो कब्जेधारियों से शासन प्रशासन अपने कब्जे में ले इससे मान के चलो निर्माण कार्य हो सके। और पानी की समस्या भी है, CC रोड की भी समस्या है और PHE द्वारा विभाग द्वारा मान के चलो छोड़े गए। लटेरी तहसील के ग्रामीण जन जिला मुख्यालय पहुंचे जहां उन्होंने बताया कि पंचायत के सरपंच द्वारा
सचिव लाखन सिंह रघुवंशी पर कई आरोप लगाकर उन्हें हटवा दिया गया। ग्रामीणों ने सचिव के पक्ष में प्रशासन को ज्ञापन दिया है। मेरा नाम मनोज शर्मा है। ग्राम पंचायत बंजरिया ग्यारसपुर तहसील में आती है। क्या है कि ये सचिव जो लखन रघुवंशी है, इनको गलत तरीके से हटाया गया है। अभी इनको 2 महीने हुए आए हुए पंचायत में हैं और सरपंच ने इनकी शिकायत करके और वर्मा जी ने इनको हटा दिया गया है। सरपंच कौन है? सरपंच गजराज सिंह लोधी। क्या कारण क्या बताया है? कारण इसमें यह दिया है कि सचिव दारू पी के आता है, पैसे नहीं निकालता है, काम नहीं करता है, गंदगी पाई गई है। तो अभी सामने वाले को आए ही 2 महीने हुए हैं, सही तरीके से उसने पंचायत नहीं देखी है और उसको है ना कि वर्मा जी के शिकायत की थी, वर्मा जी गए देखने के लिए तो वर्मा जी ने इनको ट्रांसफर कर दिया। नाम क्या बताया आपने? लखन रघुवंशी। लखन रघुवंशी। अच्छा, वो अभी उसके पक्ष में ही आ रहे हैं। हां, पंचायत आदमी है। कौन वर्मा जी गए थे? क्या जिला पंचायत? जिला पंचायत। मैं लखन सिंह रघुवंशी, बंजारिया पंचायत सचिव, जनपद पंचायत ग्यारसपुर। आज के संबंध में आप कलेक्टर से मुलाकात की? सर, मुझे गलत तरीके से सस्पेंड किया गया है। मेरे ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि दारू पीता है, जनता से पैसे मांगे जाते हैं, अवैध व्यवहार किया जाता है। अब ये ग्रामवासी हैं, पंच लोग भी हैं, अगर कोई भी अगर ये कह दे कि मतलब मैं किसी को गलत शब्द बोला हूँ, आज तक अपनी ईमानदारी से काम करता हूँ। सरपंच द्वारा मुझे हटाया आपको? वो तो सरपंच ने आवेदन दिया था झूठा, उस आवेदन के नाम क्या? गजराज सिंह लोधी। कब हटाया आपको? मुझे 4 तारीख में हटाया। 4 अगस्त? जी सर। जी हाँ जी। तो क्या चाहते क्या सर? निष्पक्ष जांच करी जाए सर, अगर मैं गलत दोषी पाया जाता हूँ तो मैं अपनी स्वीकार करता हूँ। पीडीएस विक्रेता संघ द्वारा अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। मेरा नाम अजय कुमार लोधी, मार्टिन सोसाइटी गैस पर प्रबंधक। सर, हमने शासन को जागरूक करने के लिए ज्ञापन दिया है। शासन को जागरूक कर रहा है? इस चक्कर में कर रहा है सर कि शासन भेदभाव कर रही है, क्योंकि जो पहले से दुकानें संचालित हो रही हैं उनको 10,500 रुपये कमीशन दिया जा रहा है, और नई जो दुकानें पंचायत स्तर पर या ग्रामीण स्तर पर खुल रही हैं उनको शासन ने 1/4/22 से 6,000 रुपये प्रति दुकान के हिसाब से कमीशन दे रही हैं, और अभी तक 10,500 रुपये कमीशन मिला है, किंतु नागरिक आपूर्ति निगम ने उस आदेश के तहत 4,500 रुपये प्रति माह प्रति दुकान के काट लिए गए हैं। 9 महीने तक किसी भी समूह संस्था को कमीशन नहीं मिलेगा। तो हमारी मांग यही है कि सभी के समान 10,500 रुपये हम सभी का वेतन कमीशन किया जाए। शासकीय व निजी स्कूल शिक्षक संघ द्वारा वर्ष 2023-24 नामांकन पार्टी के संबंधों में ज्ञापन नगर पालिका CMO को दिया गया है। जी, जो बच्चे स्कूल के संचालक आए हैं, ये बच्चों की समग्र आईडी में संशोधन के लिए आए हैं। वर्तमान में समग्र आईडी में संशोधन आधार के माध्यम से ही किया जा रहा है। समग्र आईडी में यदि माता पिता का नाम में मिस्टेक है तो हम इसको निकाय स्तर से कर सकते हैं। इसके लिए हमने इनसे कहा है कि आप हमें सूची उपलब्ध करा दीजिए जिसमें बच्चे की समग्र आईडी, नाम और उसके माता पिता का नाम हो,
तो हम माता पिता का नाम अपडेट कर देंगे। बच्चे की जानकारी आधार से ही सुधर सकती है। मैं जिलाध्यक्ष प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिला विदिशा मानसिंह राजपूत। आज हमने बच्चों के कक्षा 9th में जो नामांकन होते हैं उसमें आईडी के माध्यम से पूरा डाटा, चूँकि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने निर्देश दिए हैं उसी से डाटा लिया जा रहा है। स्कूल में जो डाटा है उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है, जिससे बच्चों का नामांकन नहीं हो पा रहा है। इसके संबंध में मैंने पूर्व में माननीय शिक्षा मंत्री महोदय और अन्य प्रदेश के कहते जितने भी कहते अधिकारी उनको आवेदन दिया था, जिसमें कुल सचिव महोदय ने एक पत्र जारी किया है समस्त कहते माध्यमिक शिक्षा मंडल के लिए और नगर पालिकाओं के लिए। उसके संबंध में पत्र का हवाला देते हुए माननीय हम आज CMO महोदय से यहाँ पर मिले हैं और अवगत कराया है कि बच्चों का डाटा, चूँकि नगर पालिका में जो आईडी बनी हुई है या पंचायतों में जो आईडी बनी है उसमें बहुत ही गलत डाटा है, बच्चों की डेट ऑफ बर्थ भी गलत है और पेरेंट्स के नाम की स्पेलिंग, बच्चे के नाम की स्पेलिंग गलत है। किस तरीके से हल निकालेंगे, किस तरीके से बच्चों का भविष्य निर्वाह होगा, उसको सुधारने का? तो यहाँ माननीय क्या कहते CMO साहब ने नेहा मैडम को निर्देशित किया है कि बच्चों का जितना भी सहयोग हो सकता है इस पत्र के माध्यम से वो सहयोग करें। बच्चों का नाम में KYC के माध्यम से संशोधन होगा और अन्य जो स्पेलिंग वगैरह है वो स्कूलों से सूची मांगते हुए और या पेरेंट्स लाके जहाँ डायरेक्ट आते हैं तो उसमें संशोधन करने को आश्वासन दिया है। हमें उम्मीद है कि नगर पालिका प्रशासन इसमें सहयोग करेगा। जय हिंद, जय भारत। जिला सचिव प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, बहुत संवेदनशील विषय है। जे पहले क्या होता था, 9th के जो नामांकन होते उसमें एडिटिंग वाला सिस्टम था, तो ऐड करके नाम, डेट ऑफ बर्थ, माता पिता के नाम पर परिवर्तन कर लिया जाता था, लेकिन अब समग्र आईडी से ही पूरा डाटा नामांकन में लिया जा रहा है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा इस विषय को थोड़ा गहन तरीके से लें और एडिटिंग खोलने की कृपा करें ताकि बच्चों को भविष्य खतरे में ना रहे, उनका डाटा ठीक हो सके। धर्माधिकारी गिरधर शास्त्री को अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन में ज्योतिष महर्षि की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल में कार्यक्रम संपन्न हुआ था। महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रमाकांत पांडे द्वारा सम्मान किया गया। ज्योतिष सम्मेलन में देश विदेशों के विद्वानों द्वारा अपने शोध पत्रों का वाचन किया गया। इसके बारे में चिंतन कम करते हैं, यह इसी से हमें प्रमाणित होगा कि हमने इसका कितना लाभ पाया। अब मैं आशा करती हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसका पूर्ण लाभ पाएंगे। दीपावली, होली, उत्सव, शिवरात्रि मनाए जाते हैं, दिनांक के अनुसार नहीं मनाई जाती कि दिनांक को दीपावली भी काल चल रहे। जब से भगवान गौर भास्कर सूर्य नारायण की पहली किरण भूमंडल के ऊपर आई उस दिन से ही ज्योतिष शास्त्र का भी निर्माण हुआ, क्योंकि सूर्योदय का समय, चंद्रोदय का समय, सूर्य ग्रहण का समय, चंद्र ग्रहण का समय हमारे पास निर्धारित है। अमावस्या और पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण आते हैं। अमावस्या पर सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण होता है और अमावस्या और पूर्णिमा पर ज्वार भाटे प्रचंड वेग से आते हैं। ये हमारी अमावस्या और पूर्णिमा को जो है वो सिद्ध करते हैं कि हम पंचांग की गणना हमारी सही है। एकादशी के अवसर पर वैशाली विहार स्थित श्री खाटू श्याम के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में भक्त और श्रद्धालु पहुंचे। पूजा आराधना में शामिल होकर धर्म का लाभ लिया गया। मेरे शीश के दानी का सारे जग में जगदा बाजे, मेरे शीश के दानी का सारे जग में जगदा बाजे, मेरे प्यारे प्यारे हे गंगा भक्तों की गली हे गंगा, मेरे प्यारे प्यारे हे गंगा भक्तों की गली हे गंगा, इस वीर नदानी का सारे आज की खबरों को देते ही प्रोग्राम आप देखते रहिएगा विधि संयम। खबर में फिलहाल इतना ही।
शहर की ताज़ा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। यूट्यूब पर एनजी न्यूज 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताज़ा तरीन खबरें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप रहे हर खबर सटीक।